अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये देखिए, सुबह सुबह मैं आई हूँ किचन में और बना रही हूँ सुबह का नाश्ता, चाय और गर्मा गर्म पराठे। ये पराठे जो है ये फ्रोज़न होते हैं और चाय के साथ में काफ़ी मज़े के लगते हैं खाने के लिए। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, ये शॉप में मिलते हैं, अपने रत्नागिरी में मिलते हैं, ये आप ज़रूर ट्राई करें। ये फ्रोज़न पराठे सुबह सुबह नाश्ते में चाय के साथ में काफ़ी अच्छे लगते हैं, हमारे घर में सभी को पसंद है ये। तो ये देखिए माशाल्लाह से मेरा एक पराठा जो है वो बन के रेडी है, दूसरा भी मैंने डाल दिया पराठा। ये बिल्कुल बहुत जल्दी ही बनते हैं और काफ़ी मज़े के बनते हैं। इसे अच्छे से आपने घी लगाना है, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। ये देखिए मेरा जो दूसरा पराठा है वो भी रेडी हो चुका है और यहाँ पे मेरी चाय भी रेडी हो चुकी है। आप लोग भी आइए मेरे साथ में ब्रेकफास्ट के लिए, चाय और पराठे खाने के लिए। मेरी रेसिपीज आपको अच्छी लगती है, मेरे ब्लॉग्स आपको अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक बटन प्रेस करें और शेयर भी करें। आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ में एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये है घेवड़े की भाजी। जैसे कि आप में से बहुत लोग जानते होंगे, ये घेवड़े की भाजी है, इसे मैंने जो है वॉश करके लिया है और मैंने इसे इस तरीके से काट के लिया हुआ है। और उसी के साथ मैंने यहाँ पे लिया हुआ है पोटैटो, ये भी मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। और मैंने ये प्याज लिया है, इसमें जो प्याज है थोड़ा ज़्यादा गिरता है इस भाजी में और प्याज से ही इसमें अच्छा खासा टेस्ट आता है। और मैंने एक छोटा सा टोमेटो लिया है, टोमेटो इसमें ज़्यादा नहीं जाता है, थोड़ा ही जाता है। तो चलिए बनाते हैं मेरे स्टाइल में घेवड़े की भाजी। तो मैंने इसमें ऑयल डाल दी हूँ, अब मैं इसमें ऑनियंस ऐड कर रही हूँ, ये मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके ली हुई है। इस प्याज को जो है हमें बस सॉटे करना है, ज़्यादा भूनना नहीं है। इस तरीके से हमें बस इसे हल्का सा भूनना है। अब इसमें मैं टोमेटो है ऐड कर रही हूँ। हल्दी ऐड कर रही हूँ इसमें, टोमेटो जो है थोड़े से गलने के बाद उसमें हल्दी ऐड करनी है। और फिर इसमें पोटैटोस ऐड करनी है।
साथ ही साथ उसमें घेवड़े की भाजी जो है वो भी ऐड करनी है। इसे अच्छे से आपको मिक्स करना है। ये जो भाजी है खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इसे चावल की रोटी के साथ या गेहूं की रोटी के साथ या फिर राइस के साथ भी खा सकते हो। बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी लगती है ये। इसे आप कुछ देर के लिए ढककर पकाएंगे। मैं इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, मैं बस इसे भाप में ही बनाती हूँ। मैं इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालती हूँ। आप भी इसी तरीके से बना के देखिए, बहुत ही यम्मी बनती है। अब इसमें थोड़ा सा मैं नमक ऐड कर लेती हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो है नमक ऐड करिए। फिर से मैं इसे एक बार अच्छे से मिक्स करके लूंगी। और फिर से मैं इसे ढककर पकाऊंगी। आपको बीच बीच में इसे चलाते रहना है। पानी डालने से जो है इसका टेस्ट जो है वो पूरा निकल जाता है, तो इसे भाप में ही पकानी चाहिए। ये है एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो इस घेवड़े की भाजी को जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाएगा। इसे तिलकुट बोलते हैं। इसमें लाल मिर्च, काले तिल और लहसुन मिक्स होता है और ये कोंकणी लोगों के हर घर में आपको मिलेगा ये चीज़। तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ जिससे जो ये हमारी घेवड़े की भाजी है उसमें और भी ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो जब आपकी जो भाजी जो है वो पक जाएगी ना, तब एंड में आपको ये तिलकुट इसमें ऐड करना है और बस एक दो बार इस तरीके से मिक्स करना है हल्के हाथों से। आपको इसे मिक्स करना है। और बस एक मिनट के लिए इसे ढककर पकाना है, बस एक मिनट के लिए। और ये देखिए हमारी यम्मी तिलकुट वाली घेवड़े की भाजी बिल्कुल रेडी है। और यकीन करें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे बहुत सारा सपोर्ट दें। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए एंजॉय दिस रेसिपी, कीप वॉचिंग माई ब्लॉग एंड अल्लाह हाफिज़।